नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे सिगाची इंडस्ट्रीज के बारे में। इस कंपनी की बात कर सकते, ये कंपनी पूरा दिन आपने देखा होगा कि मतलब एक फ्लैट ही कारोबार कर रही है, हरा की हरा निशान में थी दोस्तों। लेकिन जैसे ही मतलब देखा है तो कुछ 2 बजे के आसपास इस स्टॉक में अचानक से तेज़ी देखने को मिली है। ये अपने आप में दोस्तों मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में अचानक से तेज़ी क्यों देखने को मिली, जिससे रिलेटेड में बात करूँगा। हालांकि हो सकता है कि आने वाले समय में ये कंपनी 100 के भी लेवल को टच कर सकती है, 100 के आसपास जा सकती है, जो कि मेरा मानना है। ऐसा नहीं तो कंपनी में हमने 100 रुपये बता दिए थे कल जो है कि टच हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा इनको पापड़ बेलना पड़ेगा, बहुत मतलब लंबा टाइम देना पड़ेगा, फिर जाके कंपनी 100 रुपये के आसपास टच करेगी। तो क्या इसी स्टॉक को बाइंग करें या नहीं करें दोस्तों, अभी बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हालांकि आप सभी लोगों को पता है जब इस टाइप की मतलब 10 से 11% 12% की तेज़ी किसी स्टॉक में देखने को मिलती है, तब वहां पे जो कि रिटेलर पार्टिसिपेट करते हैं, और उसी में इस स्टॉक की जो मैं खासियत की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि इसका जो प्राइस है लगभग 60-70 के आसपास चलने वाला है, जिसके कारण इस स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा रिटेलर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए हम स्टॉक को कवर कर लेते हैं। हम आगे सिगाची इंडस्ट्रीज के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं दोस्तों तो इस स्टॉक में लगभग 11.5% के ऊपर तेजी आज के दिन देखने को मिली। यहां पर अगर आप, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि इस स्टॉक में मतलब सडनली तेजी देखने को मिली, ये अगर आप देखें तो लगभग 2 बजे के आसपास ही ये सारी तेजी देखने को मिली। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1:40 तक इस स्टॉक में इतनी कुछ खास तेजी नहीं थी। इसको मैं अगर इसको यहां से भी अगर कैलकुलेट करूं ना तो 2.5-3%, जैसा कि हमने आपसे बताया कि हरे निशान में थी कंपनी, लेकिन अचानक से इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि लगभग 12-13% की तेजी देखने को मिली। जैसा अगर आप देखें तो लगभग ऑलमोस्ट 12% के आसपास तेजी निकल के आ जाएगी। ये दोस्तों सबसे बड़ा मतलब जो तेजी देखने को मिला है, इसके पीछे का रीजन हम जानने की कोशिश करेंगे। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इसका जो भी अभी तक का रिजल्ट है दोस्तों, ये अपने आप में एक अभी तक का बेस्ट रिजल्ट है। हालांकि ये कंपनी एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो इस टाइप से अगर रिजल्ट पेश कर रही है तो आप कह सकते हैं कि अच्छी रिजल्ट पेश कर रही है। सबसे पहले जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को 96-95 के प्राइस पर बाइंग करके फंसे हैं, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। लेकिन तेजी क्यों थी दोस्तों, उसको सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 11-12% की तेजी देखने को मिली। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, 33 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए 3 मिलियन के आसपास। कुछ लोग सोच रहे हैं वैल्यू दोस्तों, आपसे बता दें इस स्टॉक में पहले से ही इसी टाइप का जनरेट होता है। सेकंड, इस स्टॉक में जो सबसे पहला मतलब कि पॉजिटिव देखने को मिलता है, लगभग 61% माल डिलीवरी में उठाया गया। ये क्या आपको क्या लगता है, ये DIIs बाइंग की है, बड़े इन्वेस्टर बाइंग की? नहीं दोस्तों, आपसे बता दें कि इसमें ज्यादा से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करती है। इस कंपनी को देखेंगे तो 27 फरवरी 2024 को कंपनी लगभग 95-96 के आसपास गई थी। उसके बाद लो की बात करें 23 रुपए का, जो कि एडजस्टेड प्राइस है, कंपनी रिसेंट में ही स्प्लिट मतलब कॉर्पोरेट एक्शंस देखने को मिला था। हालांकि दोस्तों कुछ अनाउंसमेंट की भी अगर मैं बात करूं तो इतना कुछ खास अनाउंसमेंट तो अपने को दिख नहीं रहा। अभी कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे दोस्तों, वो भी यहां पे कुछ डिक्लेयर नहीं देखने को मिल रहे हैं। यहां पे अगर आप देखें तो 16 अप्रैल का ही सारा अपडेट है, तो रिसेंट का कुछ भी अपने को नहीं देखने को मिला, जिसके कारण कुछ तेजी देखने को मिले। तो सेकंड दोस्तों, कुछ लोग सोच रहे होंगे तेजी क्यों थी, ये बताओ आप, तो आपसे बता, देखिए दोस्तों इस स्टॉक में जब भी तेजी आएगी इसी टाइप से आपको तेजी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं, आपने कई बार देखा होगा, देखिए जिनके पोर्टफोलियो में होगा उन्हीं को ये बात पता होगी, जिनके पोर्टफोलियो में नहीं होगा तो उन्होंने हो सकता है कुछ समय के लिए मतलब इग्नोर कर दिया हो। तो इस हिसाब से आपसे बताना चाहते, कभी भी इस स्टॉक में जब भी तेजी देखने को मिलेगी, एक चीज़ आप नोट करके रख लेना कि इस स्टॉक में इसी टाइप से तेजी देखने को मिलेगी। ये कि कंपनी 4%, 5%, 6%, 2%, 4% की तेजी दिखाती रहेगी, सडनली इस स्टॉक में अपर सर्किट 20% का 15% का जो भी है मतलब तेजी देखने को मिल जाता है। इसी टाइप से इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। तो बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड मैं बात करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, कंपनी करती क्या है, तो आपसे बताना चाहते हैं कि इस कंपनी का जो बिजनेस है, एक टाइप से फार्माक्यूटिकल केमिकल टाइप का कंपनी बिजनेस करती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ द माइक्रो क्रिस्टल लाइन की अगर मैं बात करूँ, MCC की बात करें दोस्तों, तो इससे रिलेटेड ये कंपनी वर्ल्ड वाइड में बिजनेस करती है। 3 मल्टी लोकेशन पर इस कंपनी का फैसिलिटीज देखने को मिलेगा, तेलंगाना और गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कंपनी छोटी है, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं करती है, तो उसी हिसाब से इस कंपनी का मार्केट कैप भी देखने को मिल जाता है। कंपनी के ROC बेस्ट हैं, एक का फेस वैल्यू रिसेंट में एक कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स मतलब स्प्लिट कर दिया था। यहाँ पर अगर मैं कंपनी की बात करें तो कंपनी के ऊपर कुछ डेट भी है, तो ये भी देखा जाए मतलब एक प्रकार से बहुत सारी कंपनियों के ऊपर डेट है, तो इस कंपनी के ऊपर भी डेट देखने को मिल जाता है। सेकंड, जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, सबसे पहले इस कॉलम को आप नोट करके चल सकते हैं कि यहाँ पे प्लेज है दोस्तों, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 21-22% के आसपास सिगाची इंडस्ट्रीज में आपको मार्केट मतलब इनका जो स्टेक है दोस्तों, वो प्लेज होते हुए भी दिख रहा है। जो भी रिटेलर बाइंग करना चाहते हैं तेजी को देख करके, देखिए दोस्तों आपके पास पैसा आ कहाँ से रहा है, मतलब क्या दोस्तों, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट है। लेकिन जो बड़े बड़े
ऑपरेटर्स हैं या ट्रेडर्स हैं दोस्तों, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। मतलब क्या है, कोई छोटा प्राइस वाला ही मतलब शेयर ढूंढते हैं, उसमें 1,00,000 रुपये उन्होंने लगाया, मतलब 1,00,000 क्वांटिटी उन्होंने अगर बाइंग किया और 1 रुपये से अगर वो बढ़ रहा है तो जो कि एग्जिट कर जाएंगे दोस्तों, और 1,00,000 रुपये का उनको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपके पास बहुत लिमिटेड अमाउंट है और आप कितना लगाओगे, मतलब आप 5,000 शेयर भी नहीं खरीदोगे, आप क्या है 50 शेयर, 100 शेयर, 200, 500 शेयर खरीदोगे। आपको कितने का फ़ायदा होगा, 1 रुपये से 500 रुपये का ही फ़ायदा होगा, लेकिन उनको 1,00,000 का फ़ायदा होगा। अगर 1 महीना उनको होल्ड भी करना हुआ ना तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि और आपको अगर 1 महीना होल्ड करना होगा ना तो आपको 500 रुपये 1 महीना मिलेगा, तो आप जो है कि उब करके उस स्टॉक को सेल करने ही वाले हो। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी के अभी तक रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट तो शो हो नहीं रहे हैं। हाँ, यहाँ पे अगर कंपनी के सेल्स प्रॉफिट सारा कुछ देखेंगे तो अच्छी है। कंपनी की बात करें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कंपनी खराब है दोस्तों, कंपनी अच्छी है। जस्ट ये भी कंपनी अभी भी मतलब कि मार्केट में आई हुई है, हालांकि छोटी कंपनी है, उस हिसाब से अगर आप कहेंगे दोस्तों तो कंपनी का बैलेंस शीट सारा कुछ स्ट्रांग है। लेकिन जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों, इसमें अगर आप देखेंगे तो 45% का स्टेक प्रमोटर के पास है, जिसमें भी 22% का मार्केट में प्लेज है। ये चीज़ आप नोट करके चल सकते हैं। वहीं पे यहाँ पे अगर DIS की बात करें तो DIS पूरी तरह से मतलब अभी है ही नहीं। आप देख सकते हैं कि इसके पहले उनके पास 5% का स्टेक था, जो कि अभी पूरी तरह से नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो FIs जो कि अभी रिसेंट में कुछ क्वार्टर से वो बाइंग करते जा रहे हैं, हालांकि दोस्तों पब्लिक की बात करें तो उसके बाद 52% का स्टेक पब्लिक के पास देखने को मिलता है। ये अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मतलब कुछ इंडिविजुअल पर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी ये स्टॉक 100 रुपये के प्राइस पे जाएगा कि नहीं, उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करेगा कि ये कंपनी 100 रुपये के प्राइस पे जाएगी, ऐसा नहीं 100 रुपये पे नहीं जाएगी, 100 रुपये को कंपनी कुछ समय में टच कर लेगी, लेकिन 100 रुपये के ऊपर भी जा सकती है, 100 रुपये के आसपास भी जा सकती है। हालाँकि एक रिस्की कंपनी है, तो ऐसा नहीं कि आप इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा दें। हाँ, आपको अगर लगता है कि इसमें 100 रुपये जाएगी ये कंपनी, तो आप कुछ अमाउंट निवेश करके जितना आपकी रिस्क लेने की या मतलब होल्ड करने की कैपेसिटी हो। इन कंपनियों दोस्तों सबसे बड़ा जो मेजर पार्ट है, आप कह सकते हैं कि टाइम। हालांकि पूरे स्टॉक मार्केट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको टाइम देना आना चाहिए, तभी आपका पैसा बनेगा। उस हिसाब से मैं कोई भी स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आपसे बताना चाहते हैं कि अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी वही लगता है 65 से 70 के बीच में ट्रेड कर सकती है। हालांकि गिरावट की इसके कम चांस है, फिर भी अगर स्टॉक में तेजी आती है तो कंपनी के Q4 के रिजल्ट कैसे आते हैं, सबसे अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कंपनी Q4 के रिजल्ट अच्छे आएंगे तभी ये कंपनी 100 के ऊपर 100 के आसपास ट्रेड कर सकती है। बाइंग करना है नहीं करना तो मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मर्जी आपकी, पैसा आपका, डिसीजन आपको ही लेना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।